आपको इंग्लिश सीखना ही चाहिए था। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपनी लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां कहते हैं कि किसी इंसान को कोई काम करना ही चाहिए था लेकिन वो काम नहीं हुआ, यानी वो आदमी उस काम को नहीं किया, यानी करना तो चाहिए था बट वो काम नहीं हुआ। जैसे आपको इंग्लिश सीखना ही चाहिए था, उसे पैसा बचाना ही चाहिए था, आप लोग को यहाँ इंतजार करना ही चाहिए था, उसे सच बोलना ही चाहिए था। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आप कहते हैं किसी इंसान को कोई काम करना ही चाहिए था लेकिन वो काम नहीं हुआ, यानी उस इंसान ने उस काम को नहीं किया। तो आइए देखें फ्रेंड्स कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप शुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे आपको यह करना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू डू दिस, आपको वहाँ जाना ही चाहिए था। You should have had to go there. आपको इस बारे में सोचना ही चाहिए था। You should have had to think about this. आपको यह काम पूरा करना ही चाहिए था। You should have had to complete this. आपको इंग्लिश सीख लेना ही चाहिए था। You should have had to learn English. आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही देना चाहिए था। तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे You should have had to subscribe my channel. तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आप कहते हैं करना ही चाहिए था, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप शुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कांसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।